मंसूबों पे पानी फिर गया। नमस्कार, जिस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। 6 महीने जेल में काटने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के बाहर खुली हवा में सांस ले रहे थे। मुझे याद नहीं कि क्या पहले कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर इतने दिन जेल में रहा हो, लेकिन केजरीवाल का पॉलिटिकल फुटवर्क जो है वो बहुत बढ़िया है। बाहर आकर उन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाए, एकदम वैसे जैसे स्वतंत्रता सेनानी एक समय पे जेल से बाहर निकल के लगाते थे। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं जेल से बाहर आया हूँ, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। अब ये मुमकिन हुआ क्योंकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने उन्हें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में बेल दे दी। बेल की खबर मिलते ही आप में सांसें दोबारा चलने लगीं। पार्टी के दो नेता मनीष सिसोदिया और आतिशी का खबर मिलने पर रिएक्शन देखिए। खुशी का मौका है और मिठाई ना बटे तो साहब मिठाई भी छकी गई। केजरीवाल की पत्नी ने खुशी भी जताई और एक राजनीतिक बयान भी दिया। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ये है। यही नहीं, जेल के बाहर रिहाई से पहले आपके पोस्टर लगे थे। पिछले 1 महीने में कोर्ट से आपके लिए ये दूसरी खुशखबरी है, क्योंकि इससे पहले केजरीवाल के सेनापति मनीष सिसोदिया को भी एक्साइज पॉलिसी या तथाकथित शराब घोटाले में बेल मिली थी। केजरीवाल की बेल के बाद तथाकथित घोटाले में गिरफ्तार 40 में से 39 लोग जेल से बाहर बेल पर आ चुके हैं। पहले केजरीवाल की जेल से बेल का सफर देखते हैं। ईडी ने नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक केजरीवाल को 9 समन भेजे। केजरीवाल पूछताछ में शामिल नहीं हुए। ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 10 दिन की पूछताछ हुई। 1 अप्रैल को केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। 12 जुलाई को ईडी केस में केजरीवाल को जमानत मिल गई, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी के कारण वो जेल से रिहा नहीं हुए। यानी दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले ईडी मामले में बेल मिली और अब सीबीआई मामले में भी जमानत मिल गई, वो बाहर है। आपके लिए यानी आम आदमी पार्टी के लिए बेल खुशी का सबब जरूर है, मगर बेल जिन शर्तों पे हुई है वो इशारा करती है कि कोर्ट ने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की बेकसूरी का इशारा नहीं किया है। यानी तलवार अभी सिर्फ ऊपर हुई है, हटी नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर में उन्हें घुसने पर मनाही हुए, यानी जब तक जरूरत ना हो। दिल्ली सचिवालय में प्रवेश पर रोक है, पाबंदी है। सरकारी फाइलों पर वो साइन नहीं कर सकते। बेल के लिए 10 लाख का बॉन्ड देना पड़ा है। दिल्ली शराब नीति पर वो बयान नहीं कर सकते। कोर्ट की कार्रवाई में उन्हें पेश होना पड़ेगा जब तक कोर्ट को परमिशन लेकर के वो ना जाए। आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही थी या है कि बीजेपी ने केजरीवाल को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया है। हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि भी इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है और सीबीआई की एंट्री तो हुई उस टाइम पे थी जब ईडी के अंदर बेल हो चुकी थी। वहीं बीजेपी कह रही है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। एक बार फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है, यानी वैध है। अब देखिए, कानून की चक्की महीन चलती है। अरविंद केजरीवाल को बेल मिली मगर आजाद नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जमानत पर विचार किया गया, मुद्दा स्वतंत्रता का है, उन्हें लगता है कि इस केस का नतीजा जल्द निकलने की संभावना नहीं है। सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ को लेकर अभियोजन पक्ष की आशंकाओं पर विचार किया गया, उन्हें खारिज किया जाता है, यानी सीबीआई की आपत्तियां खारिज कर दी गई। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता यानी केजरीवाल को जमानत दी जानी चाहिए। दूसरी तरफ गिरफ्तारी गलत नहीं ठहराई गई, पर सीबीआई को सरकारी तोता होने की फटकार मिल गई। 2 जजों की बेंच ने सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं था, यानी केजरीवाल को। सीबीआई ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया, लेकिन सीबीआई को कोर्ट में यह भी सुनना पड़ा
क्योंकि सीबीआई को ये धारणा दूर करनी पड़ेगी कि वो पिंजरे में बंद एक तोता है। यूपीए के टाइम में, यूपीए सरकार में भी ऐसा ही एक बार सीबीआई को बोला गया था। केजरीवाल के जांच में असहयोग के कारण हिरासत गलत है, ईडी मामले में जमानत के बाद कस्टडी गलत है, यानी गिरफ्तारी की वैधता पर दोनों जजों में थोड़ा मतभेद था। अब केजरीवाल के लिए आगे क्या, तो ये बात तय है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लंबा वक्त जेल में बिताने के बाद भी उन्होंने पद नहीं छोड़ा, तो अब दायित्व छोड़ने की उम्मीद बहुत ही कम है। तो यानी केजरीवाल दिल्ली की एक गद्दी पे विराजमान रहेंगे। केजरीवाल के सामने मुश्किल क्या है? शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सीबीआई ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया। कोर्ट के इस निर्णय को केजरीवाल के लिए झटका मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि केजरीवाल अभी ट्रायल का हिस्सा रहेंगे और कानूनी दायरे में वो पूरी तरह से बने रहेंगे। इसके अलावा चुनाव प्रचार तक वो उनको सीमित रहना पड़ेगा। सरकार से जुड़े फैसले लेने की अनुमति नहीं है। उम्मीद थी कि वो बाहर आएंगे तो 6 महीने का जो गैप आया है उसमें बतौर मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ फैसले लेंगे, जिन्हें इलेक्टोरल फैसले कहा जाता है। अब जैसे देखिए कि महिलाओं के लिए प्रति महीने 1000 रुपये की स्कीम जो है वो अभी तक लागू नहीं है हुई है, और लगता है कि अगर वो काम ठीक से नहीं कर पाए तो ये अभी भी लागू नहीं हो पाएगी। इसके अलावा केजरीवाल के बाहर आने से राहत आम आदमी पार्टी को ज़रूर है। मैं क्यों कहता हूँ कि राहत क्यों है, क्योंकि केजरीवाल को दिल्ली वालों की नब्ज पहचानने में माहिर माना जाता है, एक्सपर्ट आदमी है। यहाँ हरियाणा और फिर दिल्ली के चुनाव से पहले केजरीवाल का बाहर आना एक सियासी अच्छी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए। विपक्षी भी मानते हैं कि केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी की ताकत कम से कम दिल्ली जैसे राज्य में तो दुगना हो जाती है। अब हरियाणा में यह कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया है। अगर अब आम आदमी पार्टी दम लगाकर लड़ती है तो उसका नतीजा क्या होगा? एंटी बीजेपी जो वोट है वो खाएगी आम आदमी पार्टी। इस समय बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है हरियाणा में और कांग्रेस की हवा चल रही है। तो अगर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट काटा, यानी एंटी बीजेपी वोट काटा, तो बीजेपी की नाक कटने से बढ़ जाएगी। खासकर इसलिए क्योंकि हरियाणा जो है 90 विधानसभा सीटों का राज्य है। यहाँ राज्य की आबादी कम है, कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी वोटर की संख्या कम है, हार जीत का मार्जिन जो है वो कई सीटों पे कम रहता है। यानी अगर कोई भी एक उम्मीदवार 500 से 2000 वोट काट लेता है, ले जाता है, तो रिजल्ट पलट सकते हैं। तो ये इसका एक पॉलिटिकल फॉलआउट है हरियाणा के लिए। केजरीवाल का बाहर आने से संगठन बिखरने से बच जाएगा, ये आपके लिए अच्छी खबर है। केजरीवाल के बाहर आने से आपका जो संगठन है वो पिछले 6 महीने अगर देखिए तो वो एक फेस नहीं था उनके पास, चेहरे का संकट था। अभी तक देखिए तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल ये संगठन से जुड़े फैसले पीसमील बेसिस पे ले रहे थे एडहॉक। अब इससे उसके पहले अगर जाएं तो आतिशी, सौरभ भारद्वाज और संदीप पाठक जैसे लोग वो आगे आकर के फील्डिंग कर रहे थे आम आदमी पार्टी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल जो है वो उनके आने से संगठन का काम हो जाएगा। पार्टी को जो झटके भी लग गए, आप देखिए बीच में पूर्व मंत्री जो राज्य में थे राजकुमार आनंद और राजेंद्र पाल गौतम, ये बड़े नेता जो हैं ये पार्टी का हाथ छोड़ करके चले गए। ये केजरीवाल जैसे नेता के जेल में जाने का तो है एब्सेंस का असर पड़ता है। अब एक और फायदा होगा कि सिसोदिया जैसे जो बड़े नेता हैं उनका रोल क्या होगा। अब आबकारी नीति मामले में एक समय आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो था, पूरा टॉप लीडरशिप, पूरी तरह से जेल के अंदर था। मनीष सिसोदिया को जमानत हुई, पहली राहत शुरू हुई। उधर आप याद रख रही है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी यानी नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया, क्योंकि इतने वोट उसको मिल गए थे। उसके बाद उम्मीद थी कि संगठन का विस्तार किया जाएगा अरविंद केजरीवाल द्वारा, क्योंकि नेशनल पार्टी बन गई। अब केजरीवाल के बाहर आने पर कई अहम नेताओं को संगठन के भीतर यानी संगठन के अंदर आम आदमी पार्टी के नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। मनीष सिसोदिया के लिए भी एक बात कहनी पड़ेगी कि वो यूं तो जेल से बाहर निकलने के बाद पूरी तरह दिल्ली की पदयात्रा कर रहे हैं, रम गए हैं, लेकिन उन्हें अभी ऐसी कोई औपचारिक जिम्मेदारी नहीं दी गई है। केजरीवाल अब फैसला कर पाएंगे कि सिसोदिया और बाकी जो टॉप लेवल के लीडर हैं
वो किस रोल में उनको कहां फिट किया जाए ये केजरीवाल डिसाइड करेंगे। अब केजरीवाल को मिली बेल जो है वो सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों के लिए बुरी खबर है। ये एक मैं एसाइड दे रहा हूं आपको। क्यों बुरी खबर है? क्योंकि दिल्ली शराब तथाकथित घोटाले में 40 में से, मैंने जैसे पहले कहा, 39 लोग बेल पे बाहर हैं। एजेंसी 6-6 महीने से जांच कर रही हैं। राजनीतिक मामलों में केस में देरी, सबूत कम होने या केस कमजोर होने का इशारा करती है। जनता में सिग्नल जाता है कि केस में दम कम है और राजनीति ज्यादा है। ये बीजेपी के लिए भी बुरी खबर है क्योंकि राहुल गांधी से लेकर के तमाम छोटे छोटे विधायकों पर एजेंसी ने जांच तो जोर जोर से शुरू की मगर कोर्ट कचहरी में केस फुस हो जाते हैं। विपक्ष के आरोप का आरोप कि सरकार एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही है, उनको स्ट्रेंथ मिलती है। विपक्ष कहता है कि 2014 से अब तक 25 से 30 विपक्षी नेताओं की जांच हुई, बड़े बड़े लेवल के, जो टॉप लेवल के नेता हैं, उनमें से 23 से 25 नेता बीजेपी में शामिल हो गए। यानी जो पुरानी कहावत है कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, वो यहां पे हो गई है कि पॉलिटिक्स विल टेक इट्स ओन कोर्स। क्यों? क्योंकि जो नेता 23 के करीब नेता हैं, उनके खिलाफ जो केस हैं, वो सब गायब हो गए। यानी बीजेपी दूसरी पार्टी छोड़ के ज्वाइन करना एक फायदे का सौदा हो गया। अब विपक्ष ये भी कह रहा है, विपक्ष की तरफ से जो आरोप है वो ये भी है कि 2014 से पहले जो राजनीतिक लोगों पे केस चला करते थे ईडी वगैरह के, पीएमएलए के, उनमें 43% केस विपक्षी नेताओं पे होते थे। 2014 के बाद से, यानी पिछले 10 सालों में 75% केस जो है वो विपक्षी नेताओं पर चल रहे हैं। यानी करीब 31% बढ़ोतरी हुई है विपक्ष के नेताओं के केसेस में। आखिर में जो मैं जरूरी बात एक ऐड करना चाहता हूं कि पिछले कुछ महीनों में जब भी बड़े नेताओं के बेल केसेस आए हैं या कोई प्रोमिनेंट बेल केसेस आए हैं केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते वक्त एक बात कही है कि बेल इज रूल, जेल इज नॉट द रूल। यानी बेल जो है जहां पे देश को खतरा ना हो, सबूत खराब करने की बात ना हो, देश छोड़ के भाग जाने की बात ना हो, गवाहों को गुमराह ना किया जाए, ऐसे केसेस में बेल दे दी जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बेल रूल होनी चाहिए, यानी बेल मिलनी चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहे हैं कि बेल मिलनी चाहिए, तो मैं कुछ आंकड़े लिख करके लेके आया हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। इस देश के अंदर 5.1 करोड़ केस पेंडिंग है, उसमें से 4.5 करोड़ केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी सबसे निचली अदालतों में पेंडिंग है। यानी 87% जो पेंडेंसी है केसेस की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में, तो वो लोअर कोर्ट्स में पेंडेंसी है। अब इतनी पेंडेंसी के बाद अगर आप देखें, आप कहें कि साहब केस इस बड़ा देश है, बड़ी बात है, लेकिन याद रखिए कि इसमें से जो 5.1 करोड़ केस पेंडिंग है, उनमें से 50% में सरकारें लिटिगेंट हैं, सरकारें जो हैं वो प्रतिवादी हैं। उसका मतलब क्या है कि हर केस में पैसा खर्च हो रहा है सरकार का। सरकार का पैसा कुछ नहीं होता, वो हम लोगों की जेब का गया पैसा होता है, तो वो पैसा खर्च हो रहा है। अब उसके बाद में दूसरा एक आंकड़ा बताता हूं कि पेंडेंसी का असर देखिए कि इस देश में करीब 1.8 लाख केस ऐसे हैं जो 30 सालों से रगड़ रहे हैं। 30 years, ऑलमोस्ट 2 लाख केसेस आर पेंडिंग फॉर द लास्ट 30 years इन दिस कंट्री। अब नेताओं की बेल तो 6 महीने में हो जाती है साहब, 8 महीने लगते हैं, इससे ज्यादा तो वो तो कोई बहुत ही बदकिस्मत होगा जिसकी बेल चलती है। बड़े बड़े वकील आते हैं उनकी जिरह के लिए। ये भी कहा जाता है ये जो पेंडेंसी कोर्ट में चल रही है और सरकारें लड़ रही हैं, तो भारत की जीडीपी का 1.5% सिर्फ इन कोर्ट केसेस में जा रहा है। अब आते हैं आखिर की बात पे। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बेल मिलनी चाहिए। इस देश में करीब 5 लाख लोग अंडर ट्रायल हैं, यानी ट्रायल चल रहा है जिनका, या डिटेंशन है। टोटल 6 लाख लोग जेल में हैं, यानी 80% लोग जो जेल में हैं वो अंडर ट्रायल हैं, सजा याफ्ता नहीं है। उसमें कहानी ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बेल रूल है, लेकिन ये जो निचली अदालतें हाई कोर्ट है, वहां तो ये नहीं हो रहा। या तो वो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुन पा रहे, या इन कोर्ट्स के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक टापू बना दिया है।
ऐसा टापू जो कि मथुरा रोड दिल्ली की, भगवानदास रोड और तिलक मार्ग के बीच है, जहां बेल इज रूल की बात की जाती है, बाकी पूरे देश में यह बात नहीं होती है। ये मेरी बात पतेगी थी, इस पर गौर करिएगा। अगर हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।